ये कर दिया, उसने वो कर दिया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, तुम ही निकाल लेना। तुम्हें तो सबसे पहले कह देता हूँ कि भाई कोई भी अनुष्ठान, कोई भी कार्यक्रम होगा तो कम से कम 90 लोग तो प्रशंसा करेंगे 100 में से, और 10 लोग वो तो आलोचना करेंगे। अब 10 लोग की आलोचना के चक्कर में 90 को लाभ देना बंद कर दे क्या? 90 तो लाभ ले ही रहे ना। ऐसी हाल कमेटी वालों के होते हैं। कमेटी वालों को हर व्यक्ति तारीफ थोड़ी करता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बुरा ही करते हैं। क्या जब से कमेटी है जब से ये बुरा, जब से वो बुरा है, अच्छा ही नहीं देखेगी कि उनकी कमेटी आने से क्या हुआ। ऐसा ही होता है, इसलिए घबराना मत, डरना मत। कहते तुम एक काल से सुनो दूसरे से बुरा तो कहना हाँ हाँ, उनके सामने कुछ मत बोलो, उनके सामने कहते हाँ जी हाँ जी ठीक है हम ध्यान रखेंगे, बस उसके बाद जो करना है अपना करो, निश्चित आराम से ऐसे मैं करता हूँ, निश्चित रहो। धर्म करने के लिए निश्चित रहना चाहिए। कमी निकालने वाले बस 2-3 होते, बाकी आनंद लेने वाले पूरी समाज होती है। तो पूरी समाज को आनंद लेने दो, आपको भी बाद में यही सुनने मिलेगा कि वाह चतुर्मास बहुत अच्छा करवाया आपने, बहुत बढ़िया, सब लोग आपकी तारीफ करेंगे। सुनो बड़ोड़ा, हम प्रत्येक दिन अपने जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हैं, कुछ नया सुनकर अपने जीवन में प्रयास कर रहे हैं कि वो अपने जीवन उतार सके। सुनकर एक एक पंक्ति के माध्यम से, एक एक शब्दों के माध्यम से पंडित जुगल किशोर मुक्तार जी ने गागर में सागर भरने का प्रयास किया था। विगत पूरे माह निकलने वाला है, मेरा 20 तारीख को प्रवेश हुआ था और आज 20 तारीख, एक महीना हो गया, आपको पता चल गया एक महीना हो गया, निकल गया जल्दी निकल गया, ऐसे दूसरा निकल जाए, ऐसे तीसरा निकल जाएगा और जाने का समय भी आ जाएगा। चतुर्मास पूरे 4 महीने का नहीं है, ध्यान रखना 4 महीने में तो 120 दिन होते हैं, लेकिन चतुर्मास तो केवल 100 दिन का होता है, केवल 100 दिन का चतुर्मास होता है बस, इससे ज्यादा चतुर्मास नहीं होता। 101-102 दिन तो हो जाते हैं आगे पीछे करने में, प्रवेश में, निष्पाकन में, चतुर्मास तो 100 दिन का होता है। एक महीना निकल गया और एक महीने में हम अपने जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। पंडित जुगल किशोर मुक्तार जी ने मेरी भावना के माध्यम से अंतिम काव्य, अंतिम काव्य यहाँ पर बताया और पूरा सागर भर दिया उस मेरी भावना के उस अंतिम पंक्ति में कि फैले प्रेम परस्पर जग में, मोह दूर ही रहा करे, और अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं कोई मुख से, मीठो मीठो बोल थारो काहे बिगड़े, काहे बिगड़े, तुझे नहीं करना है मत कर, क्यों कटु शब्द बोलता है, अप्रिय शब्द बोलता है। किसने कुछ कहा नहीं है, बंदा सोच रहे हो मन में कि किसने कुछ कहा है, मैं तो प्रवचन कर रहा हूं, क्या रखा है, मीठो मीठो बोल थारो काहे बिगड़े। तेरे बोलने से 4 व्यक्ति धर्म से जुड़ना चाहिए, धर्म से टूटना नहीं चाहिए, ऐसा बोल मधुरता का, किसी की कमी मत निकालो, तूने ऐसा कर दिया, तूने वैसा कर दिया, जो उसने अच्छा किया उसकी तारीफ करो, वाह कमाल कर दिया, बहुत अच्छा, आपने तो बहुत कमाल कर दिया, बहुत अच्छा किया, ऐसे तारीफ करना चाहिए। मेरी भावना के अंतिम काव्य की, अंतिम चरण की ओर हम बढ़ते जा रहे हैं और अंतिम 2 पंक्तियां शेष, जिसमें कवि कहता है वन कर सब युग वीर देशे, देशोन्नति व्रत रहा करे, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से, सब दुख संकट सहा करे। क्या भावना आ रहा है कभी कभी की भावनाओं पर जाइए।
जो सर्वणों के सर्वण थे, मुनियों के मुनि, महामुनि हुए, वो महावीर भगवान जिन्होंने हमें आदर्शता के सूत्र दिए। मात्र बाहर शत्रुओं को जीतने का नाम वीरता नहीं है, अपितु अंदर में विद्वान, हमारे अंदर जो काम विद्वान है, क्रोध मान माया लोभ, ये शत्रु हैं। इन शत्रु, इनको जीतने वाला वीर कहलाता है। जिन्होंने इनको जीत लिया वो वीर बनता है, वो महावीर बनता है। जिन्होंने अपनी कसायों को जीत लिया, महावीर ने अपनी कसायों को जीता तो वीर बन गए। आज का व्यक्ति विषय वासना कसायों का गुलाम हो रहा है। जीते कैसे? संपूर्ण प्राणी जगत में पराधीन दर्शाई हुई है, हम स्वतंत्र होकर भी परतंत्र हैं, अपने ही कसायों के अधीन हैं, अपने ही पाप के द्वारा अधीन हैं, पर हमारे द्वारा वो कसाय पाप होती है, हम उनके गुलाम हो रहे हैं। बस छोटी सी कसाय भड़कती है पर अपना आपा खो देते हैं, अपना आपा खो देते हैं। या जब कभी लड़ाई होती है तो कहते हैं, अरे अपने आप में रही हो, अपना आपा मत खो दियो, अपने आप पर है ना, वो यही तो कहता है। उसके शब्दों को जाओ क्या कहता है आपसे, वो कहता अपने आप पे रहना, अंदर ही अंदर नहीं ना, बाहर मत निकलना, गुस्सा आ रहा है ना, अंदर रखना, बाहर नहीं करना, अपने आप में आपा मत खो देना। कितनी अच्छी बात हो, जब आपको संकेत करते हैं, आपको चेतावनी देते हैं, अपना आपा मत खो, क्योंकि मेरा कुछ हो गया ना हो तुम्हारा तो बिगड़ जाएगा। मेरा कुछ बिगड़े या ना बिगड़े, तुमने आपा खो दिया तो तुम्हारा बिगड़ जाएगा। अपने आप में संपूर्ण जगत का दीनता का साया देते हैं। हम अभी भी परतंत्र हैं अपनी कसाय से, वो कसाय तो छोटे हैं। भगवान महावीर स्वामी ने सच्ची स्वतंत्रता का रास्ता बदलाया और कहा, हो भक्त प्राणियों, अंतर जगत को निहारने का प्रयत्न करो, तुम्हारी आत्मा परतंत्र है, कर्मों के अधीन है, पराधीन है, उसे स्वतंत्र करने की वीर शक्ति, वीर कदम उठे तो समझना आप महावीर की लघुनंदन है। अगर आपको भी महावीर का लघुनंदन बनना है, महावीर जैसे बनना है, कसाय को छोड़ना पड़ेगा, ये कर्मों को नष्ट ऐसे करें। उन्होंने तो बताया आत्मा अनंत शक्ति वाली होने पर भी दर दर की ठोकरें खा रही है, इधर उधर भटक रही है, गति गति में भटक रही है, चारों गति के भ्रमण कर रही है, जिस भी पर्याय में पहुंचती है वहां ही पराधीनता नजर आती है। कई स्वाधीनता है, अनंत सुखों का सागर आज दुखों का सागर बनी हुई है। वीर प्रभु यहाँ पर कहते हैं, जागो जागो और अपनी पराधीनता को तोड़ने के लिए वीर पराक्रमी कदम उठाओ, आगे बढ़ो। जो किसी गति में कदम नहीं उठाया जा सकता है वो मनुष्य गति में कदम उठाया जा सकता है, ना देव गति में वो कदम उठा सकते हैं आप, ना त्रेत गति में उठा सकते हैं, ना नरक गति में उठा सकते हैं। वो एक गति ऐसी गति मनुष्य गति है जिसमें आप वीर कदम उठा सकते हैं, पराक्रमी कदम उठा सकते हैं। कर्मों की जंजीरों को तोड़, कर्मों की पराधीनता से मुक्त हो सकते हैं। कौन सा कदम? मुनि पद अंगीकार करना है, तभी तुम्हारी सच्ची स्वतंत्रता दिवस होगा अपने अंदर, वो तभी स्वतंत्रता होगी अपने जीवन में। जो पराधीन जिंदगी हम जी रहे हैं, परतंत्र परतंत्रता की जिंदगी जी रहे हैं, अपनी आत्मा को स्वतंत्र करने का प्रयास करिएगा। ऐसे भाव जिसके अंदर आ जाते हैं तो अंतरंग की कमजोरी दूर हो जाती है। महावीर भगवान के जो सूत्र थे उनको, महावीर भगवान के सूत्रों को महात्मा गांधी ने इस समय फैलाने का प्रयास किया, और अस्त्र से नहीं शस्त्र को निरस्त्र से जीतना महानता है। महावीर की अहिंसा थी कि अहिंसा धर्म का पालन करना। अगर तुम्हें वीर बनना है तो लड़ने झगड़ने से कोई वीर नहीं बनता, हथियार उठाने से कोई वीर नहीं बनता, जीवन में अहिंसा धर्म का पालन करने से कोई वीर बनता। अगर वीर बनना चाहते हो, महावीर बनना चाहते हो, अस्त्रों शस्त्रों का प्रयोग नहीं क्षमा का प्रयोग करना आना चाहिए।
अस्त्र शस्त्र से किसी को जीतना महत्वशाली नहीं है। शत्रु को अस्त्र शस्त्र से झुका सकते हैं, लेकिन तब तक जब तक कि हिम्मत है, जब सामने वाले के पास बल आ जाएगा तो वह बदला लेगा, उसके हाथ में जब हथियार आ जाएगा तो वो भी बदला लेगा। यही कारण है कि भगवान महावीर का संदेश अहिंसा परमो धर्म जियो और जीने के महात्मा गांधी ने स्वीकारा था। ये महात्मा गांधी पर असर पड़ा था रायचंद्र से। रायचंद्र जी भी गुरु थे, रायचंद्र जी से बहुत प्रभावित थे, उन्हें अपना गुरु मानते थे। एक बार की बात, महात्मा गांधी वेरफ्री पढ़ने विदेश जा रहे थे, तो आशीर्वाद लेने के लिए अपनी माता पुतली बाई के पास पहुंचे। माँ पुतली बाई गांधी जी को किनके पास ले गई? उनके गुरु के पास, रायचंद जी के पास ले गई। रायचंद जी के पास बोली, बोले गुरु जी मोहन को आशीर्वाद दीजिए, पर विदेश में जाकर भी अपनी संस्कृति कायम रखे। मां ने कहा ऐसा आशीर्वाद दीजिए। गुरुजी के सामने मोहन पर स्त्री सेवन त्याग और अंडे मांस आदि की किसी भी कीमत पर सेवन न करने का नियम लिखे। उस समय गांधी जी पर प्रभाव देखिए, महावीर भगवान का प्रभाव क्या था। वे रायचंद जी के चरणों में प्रणाम करते हैं और कहते हैं अब मेरे सामने दो गुरु हैं, एक धर्म गुरु है और दूसरा जन्म देने वाली मां गुरु है। दोनों के समक्ष ली गई प्रतिज्ञा को मैं नहीं तोड़ूंगा। विदेश पहुंचने के उपरांत एक बार गांधी जी बहुत बीमार हो गए, तो एक विदेशी डॉक्टर ने कहा अगर इनको ठीक होना है तो अंडे खाना पड़ेगा, अंडे की सलाह दी। गांधी जी बोले मुझे मरना मंजूर है परंतु अंडे नहीं खाऊंगा। इतना अहिंसा धर्म का प्रभाव था गांधी पर। महात्मा गांधी व अहिंसा व धर्म, महात्मा गांधी को अहिंसा धर्म पर अकाट विश्वास था, अकाट श्रद्धा थी, क्योंकि उनके गुरुज ने दिया था, नियम दिया था कि आपको ये संकल्प का पालन करना है। आज का व्यक्ति संसार की आपाकापी में अपने लिए कोई नियम नहीं लेना चाहता, और ले लेता है तो नियम को तोड़ने को तैयार हो जाता है, व्रत को तोड़ने को तैयार हो जाता है, और कैसे उसमें से रास्ता निकाल लेता है। बनना तो युगवीर है, देश की उन्नति करना है, बनना तो युगवीर है, देश की उन्नति करना है। समझो नियम कैसे लेता है, नियम कैसे तोड़ता है। यहां नियम ले लिया, नियम ले लिया, गुरुजी मैं नियम लेता हूं जब तक मैं हावड़ा में रहूंगा तब तक रात्रि भोजन का त्याग। ठीक है भैया, दे दिया नियम। अब क्या एक दिन रात्रि में लेट हो गया तो पुल पार करके और खाना खा लिया, कहां 1.5 किलोमीटर, बस 1.5 किलोमीटर पुल पार किया, कहां पहुंच गए? कलकत्ता में पहुंच गए। नियम कहां का था? हावड़ा का था। नियम तो ऐसे बनते हैं, नियम नियम पालने वाले उसका तोड़ने का रास्ता पहले निकाल लेते हैं कि इसको कैसे तोड़ा जाएगा, वो अपने आप रास्ता खोज लेते हैं। एक व्यक्ति को नियम दिया कि भैया दिन में भोजन करना चाहिए, दिन में भोजन करना चाहिए, नियम ले लो दिन में भोजन करने का। बोले ठीक है, ले लिया। एक दिन वो रात को खा रहा था तो दूसरे व्यक्ति ने उसे पूछा, कहा भाई रात को क्यों खा रहा है तू, तूने तो नियम लिया था। मैंने कब लिया? बोले मेरे सामने लिया था। बोले कौन सा नियम लिया था? बोले नियम लिया था दिन में खाना खाऊंगा। बोले खाता हूं ना, बिल्कुल खाता हूं, नियम लिया था ना दिन में खाना खाऊंगा, खाता हूं दिन में खाता हूं, ये थोड़ी कहा था रात में नहीं खाऊंगा। नियम लिया था, नियम लेने वाले तो इतने अच्छे अच्छे नियम ले लेते हैं कुछ पूछो मत। एक रिक्शा चलाने वाला था, उससे कहा कोई नियम ले लो। बोले हमने 3 नियम ले रखे। बोले अच्छा? बोले हाँ हमने 3 नियम ले रखे। बोले कौन कौन से नियम ले रखे हैं बताना जरा। बोले बहुत बड़े बड़े नियम ले रखे हमने। अरे बताओ ना कौन से नियम ले रखे। बोले हमने पहला नियम ले रखा है मैं अपने जीवन में कभी एरोप्लेन नहीं खरीदूंगा।
नियम है मेरा, मैं कभी नहीं करूंगा। अच्छा मैं, बहुत बड़ी बात है। अच्छा दूसरा नियम कौन सा लेकर आए? अरे दूसरा दूसरा नियम मेरे का, मैं प्रधानमंत्री की बेटी से शादी नहीं कराऊंगा कभी। बहुत बड़ा नियम मेरे का नहीं। अच्छा अच्छा तीसरा कौन सा लेकर आए? बोले इनके अलावा कोई नियम नहीं लूंगा। तीसरा कौन सा नियम मेरे का है? इनके अलावा कोई नियम नहीं लूंगा जीवन में। बस यही तीन नियम। नियम लेने वाले बड़े चक्कर होते हैं, ऐसे होते हैं कि हम कभी कभी तो हमें भी चकमा दे देते हैं। अगर मान लो भाई साहब तुम्हें नियम दे रहे हो ना, तो चकमा दे देंगे। कैसे चकमा दे देंगे? अब मेरे आन लेते समय तो अंजलि बंदी रहती है, ठीक है, और मौन रहता है। अब मैंने पूछ लिया मान लो किसी से, आलू खाते हो? बोले खाते हैं। हमने क्या कर दो? बोले कितना करना है? हमने कहा बोले ठीक है, कर दिया कर दिया। मैंने बोले कर दिया ना, कर दिया कर दिया। कोई मुझसे बुरा भी कह रहा है ना, तो मेरे ऐसा का होता है
मेरे पाप का मतलब तभी तो ये मुझसे गलत बोल पा रहा है। अगर मेरा होता नहीं होता तो क्यों बोलता है? मेरा होता। शत्रु भाव समाप्त हो गया तो किसी में आपको शत्रु दिखेगा ही नहीं। सोचो, प्रेम वात्सल्य करुणा की भावना होनी चाहिए। आप हर व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। पुरानी और नई नेताओं की भावनाओं में अंतर आ गया है, समझो। इसलिए देश की शांति का स्तर गिर गया है। हम भावना भा रहे हैं कभी की अंतिम पंक्ति में कि देशोन्नति होना चाहिए, देश की उन्नति होना चाहिए, लेकिन पहले और अभी के नेताओं की भावनाओं में अंतर आ गया है। यही कारण है कि हमारे देश की शांति का स्तर गिर गया। वरना देश में तो शांति शांति हो सकती थी, क्योंकि जिस देश का नेता अच्छा होता है उस देश की प्रगति होने से कोई रोक नहीं सकता, उन्नति होने से कोई रोक नहीं सकता। गांधी जी ने प्रजापालन के लिए परिपूर्ण वस्त्र पहनना बंद कर दिया। वे एकमात्र छोटा दुपट्टा और चादर लपेटते थे। किसी ने कहा कि आप तो राष्ट्रपिता हैं, आप तो राष्ट्रपिता हैं, और आपके पास तो बड़े बड़े खजाने हैं, आप बहुत कुछ पहन सकते हैं, अच्छे वस्त्र पहन लीजिए। तो किसी ने कीमती धोती दे दी, तो बोले इतनी कीमती धोती है, इतने में तो सामान्य 10 धोतियां आ सकती हैं और 10 देश के गरीब लोगों के तन को ठगने को वस्त्र मिल सकता है। अब परिग्रह सिद्धांत को बताने के लिए उन्होंने बात रखी। आज इस बात को समझो कि हमने अपने सिद्धांतों को नहीं अपना पाए, और मैं अक्सर कहता हूं कि महावीर के वो 5 सिद्धांत जो महावीर ने केवल बताए हैं वो तो पुराने हैं, आगम से चले आ रहे हैं, अनादिकाल से सिद्धांत तो वही है, लेकिन महावीर ने अभी उद्घोष किया और उन्होंने उसका प्रचार किया। कौन से 5 सिद्धांत? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ये 5 सिद्धांत उन्होंने उद्घोषित करके बताए। और मैं अक्सर कहता हूं अगर ये 5 सिद्धांत दुनिया का हर देश अपना ले तो हर देश की अपनी अपनी उन्नति होगी, कोई किसी से बैर नहीं रखेगा। हम पढ़ तो लेते हैं देशोन्नति रख रहा कर, देशोन्नति करना चाहते हैं, क्या ऐसे कोई काम करते हैं जिससे हमारे देश की उन्नति हो? जिन्होंने की है कम से कम उनको तो जानो, उनको तो पढ़ो कि हाँ उन्होंने कुछ किया, उन्होंने कुछ किया। गांधी का चिंतन था अपरिग्रहवाद, जितना कम से कम परिग्रह अगर हम धारण कर सके तो उतना कम धारण करें। लेकिन क्या करें, पुरुषों ने तो अपनाया नहीं, महिलाओं ने अपना लिया अपरिग्रह सिद्धांत। पुरुषों ने नहीं अपनाया, पुरुष तो अच्छे पूरे कपड़े पहनते, बढ़िया पैंट शर्ट पहनेंगे, कुर्ता पजामा पहनेंगे, पूरे कपड़े पहनते हैं। लेकिन आज की नई जनरेशन, हमारी बहनों ने, बच्चों बच्चियों ने, इन्होंने अपरिग्रह सिद्धांत अपना लिया। वो कटे फटे कपड़े पहनने लगे, वो कहते हैं चलो कट गए ना, अगर नीचे से कहीं फट गया कपड़ा तो उसको काट देंगे, उतना क्या हो गया, वो शॉर्ट हो गया। क्या बोलते हैं? शॉर्ट हो गया, शॉर्ट हो गया। बचपन के जो कपड़े उतने रखे होंगे, जो छोटी अवस्था में पहने होंगे, अब वो बड़ी में पहन रहे हैं। क्या पहन रहे, बोले शॉर्ट पहन रहे, सॉफ्ट टॉप पहन रहे हैं, सॉफ्ट लॉन्ग को सॉफ्ट पहन रहे हैं, शॉर्ट का जमाना आ गया सॉफ्ट। अब कुछ भूल तो बोले मां भी ने तो कहा आप इतने सिद्धांत अपना, हम तो कम से कम कपड़े पहनकर अपना परिग्रह सिद्धांत अपना। ये नहीं है, ये हमारी संस्कृति नहीं है, ये पाश्चात्य संस्कृति है। इतना प्रदर्शन भी नहीं करते। आज का चिंतन अपने आप को संभालने की जरूरत है। हम संभाल लें अपने चिंतन को, चिंतन का विषय बनाए कि हम कहां जा रहे हैं, क्या करना चाहिए हमें। आज का समय ऐसा है, हमारे नेता ही बदल गए। पहले के नेता हमारे देश की उन्नति करने सोचने ही सोचते थे कि देश की उन्नति कैसे हो। ऐसे ऐसे मुख्यमंत्री भी हुए हैं, ऐसे ऐसे मुख्यमंत्री कि वो आप जब निजी कार के लिए जाते थे, अपने निजी कार के लिए जाते थे तो गाड़ी में अपना डीजल पेट्रोल डलवाते थे, अपना डलवाते थे, और उसके बाद
जब वापस आ जाते थे तो निकलवा देते थे, उसके बाद जब सरकारी काम के लिए जाते थे तो उनका डीजल पेट्रोल डलवाते थे। ऐसे भी मुख्यमंत्री हुए जो अपना काम तो अपने वाहन में करते थे और सरकारी काम सरकारी वाहन में करते थे। ऐसे भी दिखा तभी तो देश उन्नति को प्राप्त कर सकता है, वरना ऐसा थोड़ी हो सकता है। वरना वर्तमान में जो नेता ऐसे हो जाते हैं जब वोट मांगने की बात आती है तो कोई भी नेता आता है तो हाथ जोड़ के बिल्कुल पैर छूने को तैयार हो जाता है। हाथ जोड़ लेगा, पैर छू लेगा तुम्हारे बुजुर्गों के, तुम्हारे हाथ जोड़ लेगा, तुम्हें गले लगा लेगा, आओ आओ तुम तो हमारे मित्र हो। क्या चाहिए? नोट चाहिए, वोट चाहिए ना, बस वोट तो यही देना है। बड़े बड़े आसान वोट मिलने के बाद जनता नागरिक को दिखते ही नहीं है कहां गए। पहले तो गली गली में आएंगे और फिर उसके बाद जीतने के बाद दिखते ही नहीं है, देखने के लिए लोग तरसते हैं, दिख जाए भैया। अब तो भैया मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन गए, एक बार तो दिख जाए, देखने तरसते हैं लोग देखने के लिए भाई दिख जाए, बाद में वह व्यवस्था नहीं रहती, सब स्थिति बदल जाती है, जीवन की शांति भंग हो जाती है। इसलिए देश में उन्नति करना है तो कुछ विकास लाना है। वो जमाने चले गए जब हम कहते थे ना हमारे देश में दूध की और घी की नदियां बहती, आज का समय बदल गया, आज तो खून की नदियां बहती है, चर्म मांस का निर्यात होता हमारे देश में भी। पहले के समय में मक्खन दही मट्टा घी ये बिकते थे और आज जगह जगह गली गलियों में मांस बिकते। पहले एक कसाई हो तो दूर निकाल देते थे, कोई छूता भी नहीं था उसको, छूता भी नहीं था। आपको पता पहले भारत में 360 कत्लेखाने थे जो अब बढ़कर 36,000 कत्लेखाने हो गए भारत में। 36,000 कितने जीवों को मारा जा रहा है। हम शांति की बात करते हैं, हमारा देश अहिंसा के बल पर स्वतंत्र हुआ, आज हिंसा होती रहे, देश स्वतंत्र होते हुए भी परतंत्र है और भाव ना आते हैं, देश उन्नति रहा है, क्या करें। हमारे यहाँ कहा गया भाव प्रधान धर्म है ना, कर तो कुछ बातें नहीं है, करने की कुछ हिम्मत है नहीं है, करने की हिम्मत कुछ है नहीं है, बस भाव नहीं खा सकते। अगर कोई हमारे क्षेत्र पर कोई हत्याने लगे, कब्जा करने लगे तो मन क्या कहते हैं, हाथ जोड़ के कहते हैं हम तो दिगंबर है। क्या है? दिगंबर है। हर मामले में दिगंबर कैसे हो? कपड़े के मामले में नहीं, हर मामले में दिगंबर। कोई कब्जा कर रहा है, ले ले भाई तू भी ले, तू भी ले ले, तू भी ले ले, हम तो दिगंबर है। आज हमारा कोई एकाधिक क्षेत्र ऐसा होगा जो केवल दिगंबर का होगा, ऐसा कोई है? कोई भी सिद्ध क्षेत्र है ऐसा जो सिद्ध क्षेत्र हो वो केवल दिगंबर का ही हो? कोई नहीं बचा। तो सब धीरे 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 कई विपरीत पार्टी दूसरी पार्टी ले लेती है, कई कुछ ले लेता है, वो धीरे धीरे अपना जमाते जाते हैं, कब्जा करते जाते हैं, पर हम तो दिगंबर हैं, हम दिगंबर हैं। अपना अपने आप को तो संभाल ले पहले, हम देश की उन्नति की बात करते हैं। आज आवश्यकता है कि हमें अपने पुराने विचारों की ओर कदम बढ़ाना चाहिए। जब देश की उन्नति करना चाहते तो देश से हिंसा हटना चाहिए, हिंसा बटी तभी हम उन्नति कर पाएंगे। सोचो लाखों प्राणी ऐसे सूर्योदय होता है और लाखों प्राणी मौत के घाट उतारे जाते हैं कत्लखानों में, ऐसे ऐसे कत्लखाने आज हम कैसे दे सकेंगे कि हम देश जो हमारा देश है, यह देश रामचंद्र का देश है, महावीर पारसनाथ का देश है, कैसे हम महापुरुषों के नाम ले पाएंगे कि यह देश उनका देश है, महापुरुषों ने जहां पर जन्म लिया उस देश में रहते जिन्होंने अहिंसा को जन जन तक पहुंचाया, अहिंसा का सत्यनाश किया, वहां आज हमारा देश दूसरे रास्ते पर भटक रहा है। आज देश के नाम विचार करने वाली बात है कि उसका उन्नति कैसे हो। हम पाश्चात्य संस्कृति की वस्तुओं को लाकर अपने जीवन में यहां पर अपनाते जा रहे हैं, देश के विकास की बात कैसे कर पाएंगे? हर वस्तु बाजार बाहर की लेते हैं, बाहर जाते हैं तो बाजार में दूसरे देशों की वस्तु लेते हैं, जिसका आयात निर्यात जो भी होता है वो उसका धन पैसा विदेशों में जाएगा, विदेशों में पैसा बढ़ेगा तो उनकी उन्नति होगी।
उनकी उन्नति होगी। आज हमारे यहाँ सिर्फ मांस जाता है विदेशों में, मांस निर्यात होता है ना, तो मांस वहां बाहर जाता है और वहां से कुछ ना कुछ ऐसा आता है जो हमारे यहाँ आदान प्रदान होता है विदेश में। तो मांस का निर्यात जरूरी है लेकिन क्या करें, कुछ कर नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते, क्यों, सीमित है, सीमित है। नेता नागरिकों का निर्माण करने वाले होते हैं, देश की सच्चे उत्थान उन्नति करने वाले होते हैं, वो कहलाते हैं नेता, मुनिजन, साधुजन। वो देशों के माध्यम से देश की उन्नति करने का विचार करते हैं, लोगों को बताते हैं कि देश की उन्नति करना चाहिए और वो करते हैं। अच्छा पूज्य बात स्वामी जी ने एक बात बोली, दो पंक्तियां जो प्रतिदिन श्रावक आता है, प्रतिदिन आता है, आप लोग भी भावुक हो गए, जैसी शांति तरह करोगे ना अंत में दो पंक्ति बोलोगे, क्या बोलोगे, संपूजिकाना प्रतिपालिकाना यतीन्द्र सामान्य तपोधनाना देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राख्या करोतु शांति। बोलते कि नहीं बोलते, हम प्रतिदिन भावना भाते कि भगवान शांतिनाथ, भगवान हमारे पूर्व में, हमारे नगर में, हमारे गांव में रहने वाले जो भी प्राणी हैं, राजा हैं, राजाओं के राजा हैं, नागरिकों हैं, उन सबको शांति प्रदान कीजिए। शांति तब बन पाएगी जब हम दूसरों के दुख समझने लग जाएंगे, तो हमारे कष्ट भी दूर होंगे और हमारा देश शांति के लक्ष्य को पा सकेगा और उन्नति कर पाएगा। तभी ये पंक्ति पढ़ पाओगे आप, बनकर सब युग वीर हृदय से ऐसो उन्नति रत। इन पंक्तियों के पीछे यही बात छिपी है, आज का जो युवा वर्ग है वे हृदय से देशो नदी में संलग्न रहे हैं, मात्र भाषण या मंच से नहीं अपितु अंतर मन से देशो नदी के रास्तों को खोले तो देश उन्नति और उत्थान को प्राप्त करेगा। हमारा युवा विदेश में जाता है और विदेश में काम करता है, उन्नति किसकी होगी, विदेश की होगी। अगर हमारे देश के युवा अपने देश में ही काम करेंगे तो अपने देश को ये दुनिया में नंबर वन बनने से कोई रोक नहीं सकता। अगर अपने नागरिक, अपने युवा यहां पर रहकर काम करें, बिजनेस करें, तो निश्चित अपना देश उन्नति को प्राप्त करे। कुछ ऐसे कदम बढ़ रहे हैं जिससे प्रत्येक नागरिक, देश, समाज के बीच न्याय नीति उत्पन्न हो। जहां न्याय नीति सत्ता हिंसा होगी, वहां पर नियम से शांति, आनंद, हर्ष, खुशी की वर्षा होगी। न्याय नीति, आज भारत पराधीन की जिंदगी जी रहा है, स्वतंत्र तो है लेकिन फिर भी पराधीन है। ऐसी ऐसी वस्तुओं का सेवन करते हैं विदेशों की कि उसके बिना चल नहीं सकता, रह नहीं सकते उसके बिना। पता नहीं एक बोल कलयुग का अमृत आ गया, कलयुग का अमृत जानते हो ना, कलयुग का अमृत किसको कहते हैं बोलो ना, नहीं नहीं कलयुग का अमृत, अरे नहीं वो नहीं रह नहीं पाते, हो गए कलयुग का अमृत है, छोटा सा प्याला, छोटा सा प्याला है, अगर वो ना मिले तो सर में दर्द हो जाता है, चक्कर आने लगेंगे, घूमने लगेगा, कोई काम करने मन नहीं करेगा, वो तो चाहिए, उसको कहते हैं अमृत का प्याला। चाहे बच्चा, बूढ़ा, जवान, सबको चाहिए, महिलाओं को तो विशेष तौर से, इनको महिलाओं को चाय ना मिले वो भैया। एक दिन मैं गुरु भक्ति में चाय का त्याग करा रहा, तो बोले नहीं 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 गुरु जी चाय का त्याग मत कराना। क्यों, क्या हुआ, अरे नहीं सर दर्द बहुत ज्यादा करने लगता है, वो नहीं छोड़ सकते। कमाल, एक चाय नहीं छोड़ पा रहे हैं, गुलाम हो गए चाय के, जबकि चाय हमारे यहाँ भी है ही नहीं, वो तो बाहर से आई है, अब होने लगी है, वो तो बाहर से आई है, भारत की थोड़ी थी, ये तो नशा था, एक तरह का नशा था, नशा इस नशा के लिए उपयोग में करने वाली थी, वो आज आपको उसकी लत पड़ गई, आदत पड़ गई है, इसलिए उसको छोड़ ही नहीं पाते। उन्नति करना है, आज का व्यक्ति एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से देखता है,
रास्ते से चलने वाला घबराता है कि कहीं आतंक ना हो, कहीं संकट ना आ जाए। हर व्यक्ति आज घबराया है, हम अच्छे आचरण की ओर कदम बढ़ाए तो दूसरे के मन में भी सहायता के विचार उत्पन्न होंगे। देश का राजा यदि न्याय नीति में कुशल हो तो देश में सर्वत्र शांति हो सके। जब देश का नेता ही उपद्रव करवाए तो, देश का नेता ही तांडव करवाए तो, उसके आदेश पर ही नागरिकों में आम जनता में हिंसा बढ़ गई हो तो काय का नेता है? वो तो जनता को भड़काने वाला है। उसके ही राज्य में यदि कोई अनहोनी घटना घट रही है और वो उसको बढ़ावा दे रहा है तो काय का नेता? वो नेता नेता नहीं कहलाता, वो शांति को प्रदान करने वाला नहीं है। पहले का प्रशासन राजा अपने राज्य का ध्यान रखता था कि राज्य में सब छेद मुसल है या नहीं है। जब हम पुराणों के पन्नों को पलटते हैं तो पाते हैं कि उस समय देश में अन्याय अशांति नहीं मिलती थी, आज सर्वत्र अन्याय अराजकता अनीति सब जगह दृष्टिगोचर होती है। और इसका मुख्य कारण है धन संपदा, मुख्य कारण है धन संपदा। व्यक्ति आज पैसों के पीछे इतना पागल हो गया है कि कर्तव्य अकर्तव्य न्याय नीति आदि सब कुछ भूलता जा रहा है। आचार्य भगवान कहते हैं ऐसे अर्थ से भी क्या प्रयोजन है जो दुखों का मूल हो। ऐसा अर्थ किसका होगा जो दुखों का मूल हो? अर्थस्योपार्जने दुखम अर्जितस्य च रक्षणे आए दुखे व्यय दुखे दिगर्थम किं प्रयोजनम्। क्या बात बोली! जब आध्यात्मिक विचार वाले लोग आध्यात्मिक चिंतन में डूबते हैं तो अंतरंग में उतर जाते हैं। सोचो, वो सिकंदर मुनिराज की घटना याद आती है। एक कॉलेरस नाम की मुनि थे, कॉलेरस मुनि कॉलेरस, उनके सानिध्य में सिकंदर आया। अपार धन संपदा के विषय में विचार करता है। जो धन कमाता है तो धन कमाने में दुख है। अर्थस्योपार्जने दुखम, अर्थ का उपार्जन करने में दुख है। आसानी से मिल जाता है, पैसा कमाना तो आसानी से कमा लेते ना, आसानी से कमा लेते हैं कि झूठ बोलना पड़ता है, दुखाचार करने के लिए झूठ बोलना पड़ता है, चोरी करना पड़ता है, मायाचारी करना पड़ता है, छल कपट करना पड़ता है, कसाई करनी पड़ती है, तब जाके तुम दुखाचार कमा पाते हो। अर्थ का उपार्जन करने में दुख है। अब धन आ गया, आ गया तो रक्षण में दुख है। रक्षा कैसे करें? आ गया, जोड़ लिया, तिजोरी भर ली, अब उसकी रक्षा करने में दुख है। कोई लेना जाए, कोई लेना जाए, चोरी ना हो जाए, डकैती ना हो जाए, क्या करें? बैंक में जमा करें तो बैंक में डूब जाए, रक्षा का दुख है। बड़े बड़े राजाओं को सबसे अधिक चिंता अपने धन की रहती थी, ये संपत्ति उनको कहां छिपा कर रखे, रखते थे तहखाने में, अंदर बना के। धनिक तो चिंता रहती है, धनिक को तो चिंता रहती है कि धन कोई धन मांगने ना आ जाए, कोई मेरे धन को छीन ना ले, कहीं मेरा जीवन ना चला जाए, बड़ी चिंता होती है। आय में भी दुख, और जब धन नष्ट होता है तब आय में भी नष्ट, जब धन नष्ट होता है तो उसमें भी दुख, उसको नष्ट होने में दुख होता है। जब व्यक्ति बाजार सब्जी लेने जाता है ना, ओहो क्या मोल भाव करता है, आप भी करते होंगे, 40 रुपए किलो सब्जी होगी तो बोले 20 की लगा, सब जगह तो 20 की मिलती है, और नहीं माना 30 की लगा, चलो 30 की लगा दो, कितना मोल भाव करता है। मैं सोचता हूँ, कभी कभी विचार करता हूँ कि मैं उन गरीब पार किसानों को देखो, जो किसान इतनी अपनी फसल को तैयार करता है, अपने गांव से यहाँ पर लाता है और यहाँ पर लाकर तुम्हें बेचता है, और तुम भी उसमें से अच्छे अच्छे को छांट लेते हो, और वो 40 रुपए किलो दे रहा है तो तुम 20 रुपए किलो लगाने की कोशिश करते हो। मेहनत से तो वो फल बीज डाला होगा, वो धीरे 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 तो बड़ा हुआ, तो बड़ा होने के बाद जब बेचने के लिए आया, सोच ना जरा अपने मन से विचार करना तो उसको बचता क्या हुआ, उसको बचता क्या हुआ? जब वो लाता है तो लाने में पैसे देना पड़ते हैं, जब वो बोता है तब पैसे देने पड़ते हैं, जब वो उसको उगाता है तब उसको मेहनत करनी पड़ती है, जब वो मंडी में आता है तो बोले जाते हैं,
ठेकेदार बंदे थे, मंडी के ठेकेदार होते ना, वो पैसे ले लेते हैं, जो पल्लेदार होते हैं वो पैसे ले लेते हैं, जितना कहां कहां उसको पैसे देकर पहुंचता है वहां पर, अब उसके बाद कितना पैसा बचता होगा, और वापिस वो लेके जब घर जाता है तो उसमें खर्चा, माल ले गया है तो खर्चा, जब खुद घर जाएगा तो खर्चा, उसके पास बचा क्या है, कितना पैसा बचा होगा उसके पास, एक बार हिसाब किताब लगाना बैठ के। अगर कोई मान लो 10 रुपए किलो की सब्जी बेच रहा है ना कोई सब्जी, तो उसकी पूरी सब्जी को देखना और हिसाब लगाना, इसकी दलिया में कम से कम 40 किलो 50 किलो सब्जी है, ठीक है 100 किलो सब्जी है चलते, और 10 रुपए किलो बेच रहा है, कितने रुपए की बिकी थी उसको, 1000 रुपए की, 100 किलो सब्जी 1000 रुपए की बिकेगी, और 1000 रुपए का हिसाब लगाना कि 1000 रुपए में उसके पास कितना बचेगा, जब पूरी 100 किलो बिक जाएगी तब उसके पास कितना पैसा बचेगा, पूरे सुबह से शाम तक धूप में बैठकर जब वो बेचेगा कितना मोल भाव करते हैं, एक रिक्शा वाला अगर 40 रुपए मांग रहा है तो बिना मोल भाव के बैठेंगे नहीं, बिना मोल भाव के नहीं बैठेंगे, अब जब रेट फिक्स हो जाए 10 रुपए लगते हैं तो 10 रुपए लगते हैं, बात खत्म है, लेकिन यदि वो मांग रहा है तो मोल भाव करेंगे, एक गरीब से तो मोल भाव करते हैं, सोचो जरा जब किसी 5 स्टार होटल में खाना खाने जाते हैं, वहां पर एक वेटर आपके लिए खाना लेकर आया तो खाने का बिल देने के बाद वेटर को टिप्स देते हो, कितने रुपए दोगे, 5 रुपए 10 रुपए 15 रुपए 20 रुपए, वाह 50-100 रुपए से कम दो नहीं दोगे, 100 रुपए की टिप से वेटर को दे दी तुमने, वेटर ने कोई मेहनत नहीं करी, उसको तुमने 100 रुपए दे दिए, और रिक्शा वाले ने मजदूरी करके आपके 100 किलो 50 किलो को वजन को अपनी मेहनत से खींच खींच कर लाया था, और उसको तुमने 20 रुपए की जगह 10 रुपए दे दिए, बचा के तुमने क्या कर लिया, क्या कर लिया था, सोच सोचने वाली बात बता रहा हूं मैं कि हम करते क्या हैं, जहां देना चाहिए वहां नहीं दे पाए, मेहनत की जहां पर उसको नहीं दे पाए, और जो आराम से खड़ा हुआ था उसको देने में आनंद नहीं करता, जब व्यक्ति की मंदिर व्यक्ति मंदिर रहता ना तो मंदिर की गोलक में पैसे डालता है, सोचो आपको सोचना मंदिर की गोलक में पैसे डालते हैं तो भी सबसे पहले पर्स में से पैसे निकालेंगे, और पर्स में जो सबसे पुराना नोट होगा वही मंदिर में डाला जाएगा, जो आपकी पॉकेट में सबसे पुराना नोट होगा वही पैसे डाला जाएगा, क्योंकि वो खोटा है बाजार में नहीं चलता, थोड़ा सा कट गया है, थोड़ा सा पड़ गया है, या थोड़ी सी टैप चिपकी है, थोड़ा सा उसमें लिखा गया, बाजार में ले नहीं रहा कोई, इसलिए डालता मंदिर, दान हो गया, दान हमने दान कर दिया, बाजार में नहीं चल रहा ना, कहने का तात्पर्य है कि छोड़ना कठिन है, धन छोड़ना बहुत कठिन है, कमाना रक्षा करना, कमाने में दुख रक्षा करने में दुख, जो जाता है ना वो विरले ही व्यक्ति होते हैं जो कि सब कुछ छोड़कर हल्के हो जाते हैं, एक दिन मुक्ति को पा लेते हैं, ऐसे कोलेरस मुनि अंतिम बेला में सम्राट सिकंदर को समझाते हैं, जब तुम इस दुनिया से जाओगे तो कुछ भी तुम्हारे साथ में नहीं जाएगा, मात्र जो कुंड लेकर तुम उपार्जन करके आए हो या किया है वही तुम्हारे साथ जाएगा, कोलेरस मुनि के संपर्क में आया था सिकंदर, इतना सुनते सिकंदर सम्राट सिकंदर सावधान हो जाते हैं, हमारे सुनने से उसका सुनना श्रेष्ठ था, हम तो सुन के यहां से निकाल देते हैं, उस सिकंदर ने सुना था उसका सुनना श्रेष्ठ था, एक कान से सुनकर दूसरे से नहीं निकाला, वह विचार करता है कि मुनिराज बहुत ऊंची बात कह रहे हैं, सत्य कह रहे हैं, वह चिंतन में डूब जाता है, और आज तक कितने बड़े बड़े राजा महाराजा सम्राट चक्रवर्ती हुए, परंतु वे सब अपने साथ कुछ भी नहीं ले जा पाए, क्यों, इस धरा पर सब धरा रह जाएगा, और मुट्ठी बांधे आया था इस जगत में पर हाथ पसारे, मुट्ठी बांध के आता बच्चा जब ऐसे आता ना ऐसे आता, आपको पता क्यों, कभी सोचा आपने, बच्चों को तो आपने जन्म लेते बहुत देखा होगा, जब बच्चा निकलता है ना तो ऐसे मुट्ठी बांध के आता है, क्यों आता है बता, कभी सोचा नहीं, सोचा सोचो, मान मुट्ठी बांध के क्यों आता है, इसलिए आता है उस मुट्ठी में वो सैकड़ों सपने संजो के आता है,
वो सैकड़ों सपने सुनो के आता है, मैं जन्म लेके ये करूंगा, वो करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, अनेकों सपने सजो के आता है। यहाँ पर आके जब मूर्ति खोलता है वो सपने उसके बाहर आते हैं, फिर उसको पूरा करने की वो कोशिश करता है कि मैं कोशिश कर लू, कर नहीं पाता है, कोई नहीं कर पाता है। तो महानुभाव मैं तो सुना था आज मैं अंतिम पंक्ति का बखान पूरा कर दूंगा, अंतिम पंक्ति तो अभी रह गई, अभी तो एक ही पंक्ति हो पाई है, अभी एक ही पंक्ति हो पाई है कि देशों नदी रत रहा कर, आगे की पंक्ति कल बता दो क्योंकि समय हो गया, आगे की पंक्ति का आधार कल बताऊंगा, आज के लिए इतना ही। जाने समझे कि हम क्या कर रहे हैं देश की उन्नति के लिए, देश के विकास के लिए कितना कर पा रहे हैं और कितना करना चाहिए उसका विचार करना चाहिए। इसी मंगल भावना के साथ जय गुरु पाठ स्नान भगवान।